पवन जी क्या कहना चाहेंगे, ये जो घटना घटी है ये बहुत दुखद घटना है। इसमें पूरा का पूरा इंडिया पूरे रोष में है। और क्या नाम, जब तक उनसे पाकिस्तान से बदला है उसके धूल उसकी एक एक उसकी ईंट से ईंट ना बजाया जाए, उसे बिल्कुल खत्म ना कर दिया जाए, नेपथ्यून ना कर जाए, जब तक रुकेगी नहीं हिंदुस्तान की पब्लिक। ये महिपाल शर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को धूल चटाना है और इसको इसकी औकात दिखाना है। जहाँ से चला था वहीं इसके हाथ में कटोरा तो आ गया है। अब इसका दुनिया के नक्शे से नव अनाज निशाना है भारत देश से। कहा जा सकता है कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए, किसी युद्ध से नहीं लड़ना, किसी देश से नहीं लड़ना, किसी के कोई हमारा वो करेगा इधर, चाहे विश्व युद्ध हो जाए, आर पार की लड़ाई जहाँ सैनिकों को शांत नहीं बैठना चाहिए। इस सरकार को सैनिकों को बिल्कुल आजादी दे देनी चाहिए, जो इसको पाकिस्तानों का नाम निशान मिटा दे इस नक्शे से वर्ल्ड के। दीपक जी आप क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? श्रद्धांजलि है जी हमारी वीरों के लिए, पाकिस्तान को और जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी जिम्मेवारी ली है। अब तक तो प्रधानमंत्री जी को उसे गिरफ्तार करके अंदर से सजा दे देनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों देर हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये समय मीटिंगों का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। और हमें सिर्फ और सिर्फ केवल रिजल्ट चाहिए। हम रोज ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आम हिंदुस्तानी। लगभग 36 घंटे हो गए कोई अभी तक रिजल्ट, 36 घंटे में अब तक कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। और भी घटना है, अभी एक मेजर की भी खबर अखबार में आ रही है। आखिर हमारे सैनिक जो किसान परिवारों से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, कब तक इस तरह से मरते रहेंगे? और राजनीतिक व्यक्ति कब सूझ लेंगे इसकी? प्रशासन से उम्मीद की जाती है तुरंत इस पर कार्रवाई करें। अब तो है आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। सांप को दूध पिलाना बंद करना चाहिए। सांप को कितना भी दूध पिला दो वो डंक मारेगा ही मारेगा। इसलिए भारत माता की जय।